तो बेसिकली हम लोग क्या जान रहे थे, इन्वेंट्री के बारे में। अभी हम जो है इन्वेंट्री का जो 5 पॉइंट है वो हमने समझा हुआ था बारीकी बारीकी से, इसमें क्या इसका परिभाषा देखा था, इसके फीचर को देखे थे और कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देखा था। अब जो है ये हमने एक एक पॉइंट देखा था, अब हम मिक्स देखेंगे, एक साथ इस पांचों का यूज कैसे करेंगे। तो आई होप आपको जो है इसके नेक्स्ट में जो भी प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर हमें लेंगे, कमेंट कीजिए, आपको मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो है उसके आधार पर हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ, क्या चीज़ ये देखिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, स्टॉक का जो है स्टोर दिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टॉक की डिग्री आपको दिया गया, यहाँ पे चार्ट के द्वारा बताया गया है स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद में स्टॉक आइटम और लास्ट में आपका गोदाम। तो आपको कोई भी सवाल डिसाइड करना है सेम इसी के टाइम, मतलब इसी जो आपको दिया गया है सीरीज या सीक्वेंस, उसी के हिसाब से आपको करना है। कोई भी सामान अगर आप लेने जाते हैं तो पहले आपको जो है कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सामान किस कैटेगरी में आता है, उसके बाद में उसका स्टॉक ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसका यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ ये किस में, मतलब इसका माप तोल होता है, उसके बाद में वो आइटम कौन सा है और लास्ट में आपको गोदाम कहाँ पे आपका ये कंपनी है या कहाँ पे आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसके लिए हमको टैली ओपन करना, ठीक है। पहले टैली ओपन करता है फिर आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो ये हमारा टैली ओपन हो रहा, इसको ओपन होने देते हैं। आपको इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है शॉर्ट कोड, आपको शॉर्ट कोड पूरा एकदम आना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और आप उसको देख लीजिएगा। प्लस में इसका जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग एंट्री कराते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप में हम आ गए हैं, यहाँ से हमको जाना है वर्क इन एजुकेशन बोर्ड में, इसके लिए ऑल के साथ में डब्लू प्रेस करते हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर कंपनी का टैली में ऑलरेडी काम हुआ है, कोई कंपनी बना हुआ है, तो आप क्या होगा गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा, यानी कि एक कंपनी के साथ में ओपन होगा, कोई भी कंपनी में उसके साथ में ओपन होगा। अगर आपका न्यू टैली है, आपने न्यू अप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें जो है आपको ये नहीं आएगा, आपको आएगा क्या चीज़, कंपनी इनको आएगा। तो हम एक चीज आपको कसूरी में बताए थे और अभी बताए थे, इसमें जो होता है ना टेली में आप जो है माउस का यूज नहीं करते हैं, कीबोर्ड का यूज किया जाता है। प्लस में इसमें जो है जितना बार आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या सवाल बनाते हैं उतना बार आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट करना होगा, पुराने कंपनी पे आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डाटा कोई टाइप रहता है, फिर आपको उस डाटा को इरेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक न्यू कंपनी बना दीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी बना हुआ है, इसको हमको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए आपको जो है कंपनी इन्फो में जाना होगा। कंपनी इन्फो में जाने के लिए आपको बताए थे कि ऑल्ट के साथ में F3 प्रेस, आप आ जाइएगा कंपनी इन्फो में, देखिए राइट साइड में यहाँ पे कंपनी इन्फो आ गया। अब यहाँ से हमको इस कंपनी को क्लोज करना है, तो आप शॉर्ट कंपनी कर सकते हैं, शॉर्ट कंपनी के लिए आपको बताया थे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ से ऑप्शन से जा सकते हैं, शॉर्ट कंपनी में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके एंटर करें। तो अभी हमारा कोई भी कंपनी यहाँ पे ओपन नहीं, तो हमको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसके लिए हमको एक कंपनी चाहिए। तो पहले उस कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, एरो की से हम आते हैं क्रिएट कंपनी पे, इंटर से आगे बढ़ते हैं, एस्केप से पीछे होता है, आपको ये सब मालूम है। लाइक हम यहाँ पे कंपनी का नाम प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, ऐसे आप अपना कंपनी का नाम जो भी नाम होते वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम से ये बना रहे हैं, यहाँ पे आप इंटर करके आगे बढ़िएगा, बाकी जो डिटेल अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो डालिए, नहीं तो आपको यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ जाइए। एक साथ सेव करना हो तो कंट्रोल ए भी कर देते हैं, फिलहाल मैं इंटर कर करके यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा कंपनी जो है एक क्रिएट हो गया जो कि प्रोजेक्ट नाम से। अब जो है हमको इसका एंट्री कराना है जो हमारे यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, पहले इस डाटा को समझिए। आपको बताया था क्या जी कि कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसका क्या करना है, पहले कैटेगरी डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम जो है
एक जीन्स ले रहा है, ठीक है, या आइटम हमारा जो भी प्रोडक्ट देते हैं वो उसका नाम होता है। जैसे जीन्स ले रहे हैं तो वो जीन्स जो है हमारा कैटेगरी क्या होगा, वो क्लोथ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको पैसा लेना तो हम क्या करते हैं उसका कैटेगरी डिसाइड करते हैं, यानी कि 500 का नोट अलग, 1000 का अलग, अलग अलग कैटेगरी का सिक्का अलग, दूसरा आपको जो है यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो जीन्स है ये किस कैटेगरी में आता है। तो हमारा ये कपड़ा है तो क्लोथ में आता है, ठीक है। उसके बाद में हम ग्रुप देखते हैं कि ये जो जीन्स है, ठीक है, वो किसका है, तो एक लारा कंपनी है उसका एक ग्रुप उसका ये, जैसे लारा जो है बहुत सी चीज़ें बनाती है, जीन्स बनाती है, शॉर्ट बनाती है, और सी चीज़ें, तो इस तरह आप जो है उसका डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप हो जाएगा और ये हमारा अलग अलग आइटम होता है, और इसको हम जीन्स को लेते हैं किसमें है तो पीस में लेते हैं, तो पीसी से यहाँ से डाल सकते हैं शॉर्ट को। प्लस में इसका कह रहा है कि गोदाम कहाँ पे है, तो लाइक अभी तो यहाँ पे ये गोदाम दर्शाया गया है मोतिहारी में, आप जहाँ मर्जी वहाँ लिख सकते हैं जहाँ पे आपका स्टोर कर रहे हैं। तो इसको एंट्री कैसे कराएंगे इसके लिए हम चलिए देख लेते हैं। बाकी ये तो आपको जो पीडीएफ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम एस्केप की के तय कर गए और यहाँ पे गेटवे टेली में। अब हमको इस सब का एंट्री कराना है, तो आपको बताया था एंट्री कराने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री, तो हम जो है इन्वेंट्री का ही अभी एकदम ये प्रोजेक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बनाना क्या है, देखिए जो चीज़ हमको बनाना है स्टॉक, सॉरी हाँ यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, वो चीज़ यहाँ पे मतलब वो पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं शो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या क्या है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, इंट ऑफ मीटर, बाकी ये टाइप भाउचर टाइप है और फीट है। तो हम बताए थे कि अगर ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसे कि स्टॉक कैटेगरी नहीं हो रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके फीचर से इनेबल कर सकते हैं। कैसे इनेबल कीजिएगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा, यानी कि गेटवे ऑफ टेली में, यहाँ से आपको बताए थे कि F11 प्रेस करना होगा और उसके बाद में हमको इन्वेंट्री फीचर में जाना है, यानी कि F2 प्रेस करना होगा। और यहाँ से जो है हम अपना जो भी मतलब चाहिए हमको, जैसे स्टॉक कैटेगरी चाहिए तो हम इसको क्या है यहाँ पर नो है, इसको यस करेंगे, यानी कि वाई प्रेस करके इंटर करके यहाँ से इंटर करते जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा यस, ये हमारा इनेबल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब देखने के लिए फिर से हम बैक जाएंगे और इन्वेंट्री में जाके यहाँ से देख सकते हैं, देखिए सेकंड नंबर पर स्टॉक कैटेगरी आ गया। तो इस तरह आप जो है किसी भी फीचर को इनेबल कर सकते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं, एंट्री लेते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें, फर्स्ट है क्लोथ, ये सब को हम एक साथ बनाएंगे, क्लोथ है, उसके बाद में फूड्स है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रिक है, और यहाँ पे जो ये दिया गया है सिमिलर, यानी कि ये फूड का ही राइस भी होता है, फूडे होता है, तो ये आप दो बार बनाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको जो है दूध को मतलब माप करना है, मेजर करना, उसके लिए आप क्या करते हैं लीटर यूज करते हैं, और फिर आपको जो है वाटर या बोले तो आयल को भी माप करना है, उसके लिए भी आप लीटर यूज करते हैं। तो आप जो है वायल के आयल के लिए या दूध के लिए या वाटर के लिए अलग अलग क्या करते हैं बर्तन यूज नहीं करते हैं मापने के लिए, एक ही बर्तन से सबको कर सकते हैं, या अगर आपको गेहूँ तोलना है या धान तोलना है तो दोनों के लिए अलग अलग किलो यूज नहीं करते हैं, एक ही किलो से दोनों यूज कर लेते हैं। तो उसी तरह जो है जैसे यहाँ पे क्या है आयल जो है ये भी खाने वाला है फूड, और ये जो है राइस जो है ये भी खाने वाला है, यानी कि ये भी फूड, तो हम एक ही फूड से दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्लोथ फूड और क्या है इलेक्ट्रिक, पहले यहाँ से क्लोथ ले लेते हैं, क्लोथ ले सकते हैं, क्लोथ भी लेते हैं, बताए थे कि प्राइमरी में कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही रन करके ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में क्या है फूड्स, इसको भी कुछ नहीं करना है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर दी। तो ये हमारा स्टॉक कैटेगरी क्रिएट हो गया। अब एस्केप की से बैक आएंगे और यहाँ से हम देखेंगे इसके बाद में क्या क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप में देख सकते हैं यहाँ पे लारा है, आयल है, तो यहाँ पे एक एक करके स्टॉक ग्रुप में हम क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ से लिखते हैं कैसे लारा, ये भी आपका प्राइमरी जाएगा, कुछ नहीं करना है। उसके बाद में क्या था लारा के बाद में क्या था आयल राइस, ठीक है, तो यहाँ से आयल लिखिए,
आयल ऐसे कंट्रोल ए कर लीजिए, ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। राइस लिख लीजिए, आ गए राइस हो गया यहाँ से। उसके बाद में एक और कोई सामान था क्या था, रेडमी, रेडमी ध्यान रहे जिससे हम जो जो प्रोसेस पहले पहले जो कर रहे हैं, पहले कैटेगरी बनाना होगा, फिर ग्रुप बनाना होगा, उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजर बनाना होगा, तभी आप आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हैं, जैसे कि ये आप जींस लेते हैं पीस में लेते हैं, यहाँ पे लिक्विड जो भी लेते हैं लीटर में लेते हैं, जो भी राइस है वो केजी में लेते हैं, और बाकी ये भी पीस में लेते हैं, तो एक ही पीस से दोनों काम चल जाएगा। तो इसको भी सेम है, इसको एस्केप की से थोड़ा सा बैठ आएंगे, उसके बाद यहाँ से आएंगे यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट भी क्लिक करेंगे, यहाँ से 10 पहले पीस एस पीस बना लेते हैं, उसके बाद में केजी बना लेते हैं, उसके बाद में लीटर बना लेते हैं, और भी कई चीज़ें थी, हाँ पीस हो गया, लीटर हो गया, केजी हो गया। ठीक, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीज़ें स्टॉक आइटम और स्टॉक यहाँ पे गोदाम, तो आप चाहे तो इसको पहले बना सकते हैं, इसको पहले बना सकते हैं, कोई भी करते हैं। ठीक, तो स्टॉक आइटम ही बना लेते हैं, स्टॉक आइटम इसके लिए थोड़ा सा बेहतर करते हैं। और जहाँ पे ये आप क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोजेक्ट स्टॉक आइटम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं, उसको क्रिएट कर जाते हैं, और यहाँ से जो है हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। क्या क्या है पहले देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रहा है जींस, तो हमने जींस इसे नाम दे लिया। अब ये जो है अंडर क्या हो जाएगा, तो अंडर आपका जो हो जाएगा क्या चीज, लारा है, इसका ग्रुप जो है लारा है, यहाँ पे आप कलेक्ट कैटेगरी ग्रुप हो जाएगा, और यूनिट क्या है तो आप पीस में कर देंगे जींस, यहाँ से एंट्री कुछ नहीं कराना है, एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट क्या है, धारा, यहाँ से आप जो है धारा लिख सकते हैं, और इसका जो है अंडर में क्या हो जाएगा, आयल हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ से फूड हो जाएगा, खाने वाला सामान है, और इसको हम जो है आयल को लीटर में लेते हैं, तो एल टी आर करके यहाँ से उसके बाद में बासमती है, बासमती यहाँ से जो है ये क्या हो जाएगा मेरा राइस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको केवल सेलेक्ट कर ऑलरेडी बना हुआ है, केजी में इसको मेजर करते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बासमती के यहाँ पे नोट सेवन, ठीक है यहाँ से लिखिए नोट सेवन, एंटर, ये हमारा क्या है रेडमी का फोन है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये हमारा पीस मिल जाएगा। तो इस तरह हमने जो है इसका एंट्री करा लिया, अब हमको एंट्री करना है क्या चीज़ का, गोदाम, थोड़ा सा बैक आते हैं देखते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे गोदाउन का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा या लोकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसका भी फीचर इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टेल में जाएंगे, एफ 11 और एफ 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका फंक्शन जो भी 11 का है, और एफ 2 यहाँ से आपका गोदाउन मिल जाएगा, ये नो है इसको यस कीजिए, और एक्सेप्ट ऑल कनेक्टिंग कंट्रोल ए की। अब अगर हम बैक जाते हैं और इन्वेंट्री में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गोदाउन का ऑप्शन, यहाँ पे जाते हैं और क्रिएट पे जाते हैं, और यहाँ पे गोदाउन क्रिएट करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ गोदाउन, मोतिहारी है, बेतिया है, मोतिहारी बेतिया और मोतिहारी, यानी कि ये तीन चीज है मोतिहारी में, और एक चीज है बेतिया में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चीजें मोतिहारी, और इसका भी बताया था अंदर में प्राइमरी हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं करना है, एंटर कीजिए, और यहाँ से भेज दिया, बस एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में और लोकेशन नहीं है, सिमिलर लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये हो गया। अब इसके आगे अगर सवाल हम क्रिएट करते हैं बनाते हैं, तब जाके ये आपका सब एक साथ कंबाइन होगा, बाकी ये प्रोजेक्ट था तो हमने इसको बना के दिखा, और अभी जो है इसके बाद जो वो मतलब वीडियो आएगा वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ में आपको सवाल भी सॉल्व करना होगा, तो इसको देखने के लिए कहाँ पे जाना होगा, बताए थे इन्वेंट्री में, और जैसे आपको
डेस्कटॉप ग्रुप देखना है तो ग्रुप में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या बना हुआ। सेम लाइक उसी तरह हम डेस्कटॉप कैटेगरी देखना है तो कैटेगरी में हम जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, देख सकते हैं जो जो चीज़ें देखना है उस हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो है हम जो है क्वेश्चन की तरफ पढ़ देंगे, मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था इसके बाद क्या है, जैसे परचेस है, सेल है, ये सब चीज़ें हमको जाननी है। तो ये सब आपको पिछला जो भी है पॉइंट क्लियर करके रखिएगा, तब जाकर आगे का आपको सवाल बनेगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।